सो हाई फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आपको हमारी स्विट्ज़रलैंड सीरीज़ पसंद आई होगी। मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। सो मैं अभी खड़ा हुआ हूँ अपने होटल की बालकनी में, एंड जैसा कि आप देख सकते हैं, हम आए हुए हैं एक विंटर डेस्टिनेशन में। एंड ये विंटर डेस्टिनेशन है फ्रांस का एक छोटा सा स्की रिजॉर्ट टाउन, एंड इसका नाम है लेजय। एंड इस विंटर वेकेशन में हम करने वाले हैं कुछ स्पेशल जो हम लोगों ने आज तक अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस ही नहीं किया है। सो चलिए, आइए हमारे साथ एज वी शेयर आर एक्सपीरियंस ऑफ आर विंटर वेकेशन। सो कम अलोंग। हमने अपनी जर्नी शुरू की स्विट्जरलैंड के बाजल टाउन से, एंड लेजय वहां से अप्रोक्सीमेटली 4 घंटे ड्राइव की दूरी पे था। और इन 4 घंटों में हमने अप्रॉक्सीमेटली 3 घंटे स्विस में ड्राइव किया और लास्ट 1 आवर फ्रांस में। ये जो आप टाउन देख रहे हैं, इसका नाम है इवियान, जहां से यूरोप का पॉपुलर बॉटल्ड मिनरल वाटर आता है इसी शहर के नाम से। ये जो स्ट्रेच है, इट रन्स अलोंग द जेनीवा लेक एंड इज सिमिलर टू द प्रोमेनाड जो कि हमने सेंट ट्रोपेज में देखा था इन आर फ्रेंच रिवेरा सीरीज। लेजय फ्रेंच एल्प्स के बेस में एक छोटा सा रिजॉर्ट है। सो जैसे जैसे हम एल्प्स के पास आते जाते हैं, एज यू कैन सी, सीनरी चेंज होती जाती है एंड हमें दिखने लगती है स्नो ऑल अराउंड। एक जरूरी चीज टू कीप इन माइंड इफ यू आर ड्राइविंग इन सच कंडीशंस इज दैट कि आपकी गाड़ी में स्नो टायर्स जरूर लगे होने चाहिए। अभी तो ये रोड क्लियर है, बट अगर इसी रोड पे आइस या स्नो रहती देन नॉर्मल टायर्स पे ड्राइव करना हाईली अनसेफ होता। एक और बात, अगर आप ऑटोबान पे मोस्टली ड्राइव करते हैं देन यू विल बी फाइन विद स्नो टायर्स, बट अगर आपको किसी विलेज या रिजॉर्ट जाना है हिल पे, देन स्नो टायर्स के एडिशन में आपको स्नो चेन की भी जरूरत पड़ सकती है। तो ये है हमारी इस साल की विंटर वेकेशन का डेस्टिनेशन लेजय। जैसा कि आप देख सकते हैं, देर इज फीट्स ऑफ स्नो ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, और वो इसलिए बिकॉज हमारे आने के 1 हफ्ते पहले यहाँ हैवी स्नोफॉल हुआ था। थैंकफुली हमारे स्टे के ड्यूरेशन में वेदर फोरकास्ट वॉज क्लियर एंड सनी। अपनी कार को पार्क करके हम गए अपने शैले की कीज को कलेक्ट करने के लिए एंड कुछ और चेक इन फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने। हम लोग लेजय में अभी अभी अराइव किए हैं, एंड मेरे पीछे जो आप ये शैले देख रहे हैं, ये शैले है जहां पे हम लोगों ने अभी अभी चेक इन किया है। एंड इसी शैले के नीचे में वी हैव द स्कीमियम स्की रेंटल शॉप, जहाँ पे हमारी सारी की सारी स्की इक्विपमेंट्स की बुकिंग है। एंड वहाँ पे जो आप देख रहे हैं, दैट इज़ द 360 इंटरनेशनल स्की स्कूल, जहाँ पे हम लोगों ने एडल्ट्स का बिगिनर्स स्की कोर्स बुक किया है। हमारा शैले वॉज राइट इन द सेंटर ऑफ द विलेज एंड हर चीज वॉज सो नियर बाय। चेक इन करने के बाद हम गए अपने स्की स्कूल में टू चेक इफ एवरीथिंग वाज इन ऑर्डर फॉर आर स्की क्लासेस जो कि अगले दिन से शुरू होने वाली थी। हम लोग अभी हैं लेजय के टूरिज्म ऑफिस में। लेजय में चेक इन करने के बाद अपने एयरबीएनबी में हम लोगों ने फिगर आउट किया कि हमारे शैले में जो है वाईफाई ही नहीं है, तो हमें कहीं से पता चला कि टूरिज्म ऑफिस से हम लोग
एक इंटरनेट का प्लान ले सकते हैं, तो वही पता करने के लिए हम लोग अभी अंदर जाएंगे एंड देखेंगे कि इन लोगों के पास क्या कुछ है ऑफर करने के लिए। सो जाने से पहले मास्क पहनना ना भूले। इंफॉर्मेशन सेंटर से हमने लिया एक पोर्टेबल वाईफाई राउटर फॉर वन फुल वीक विद अनलिमिटेड डेटा यूजेज एंड वी पेड 35 यूरोस फॉर इट। एंड उसके बाद हम गए टू द टिकटिंग ऑफिस, जहां से हमने लिया अपनी स्की लेसन्स के लिए 6 दिन का स्की पास। वी गॉट अ गुड डिस्काउंट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 35% बिकॉज ऑफ द वाउचर जो हमें मिला था हमारे स्की स्कूल से। बस इसके बाद वी वर ऑल सेट फॉर आर स्की क्लासेस जो शुरू होने वाली थी अगले दिन से। लजय एक बहुत ही सुंदर छोटा सा स्की रिजॉर्ट टाउन है एंड इट्स फुल ऑफ आफ्टर स्की रेस्टोरेंट्स, कैफेज एंड पब्स। इन जगहों को आफ्टर स्की इसलिए बोला जाता है बिकॉज यहाँ लोग स्की करके डायरेक्टली अपने स्की बूट्स एंड बाकी के इक्विपमेंट्स के साथ आ सकते हैं। लजय है तो छोटा सा विलेज एंड मोस्ट ऑफ इट आप अपने पैरों पे कवर कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे बस सर्विस भी है जो है फ्री टू यूज। इट्स स्पेशली यूज्ड बाय स्कीयर्स हु आर नॉट स्टेइंग इन द सेंटर टू कम टू द स्लोप बेस स्टेशंस। स्की पास आपको देता है एक्सेस लजय की सारी केबल कार्स पे, तो हमने इसी स्की पास को यूज किया टू गो टू माउंट शेरी विच इज अ स्मॉल माउंटेन पीक एंड जहां से मिलता है एक बहुत ही सुंदर बर्ड्स आई व्यू ऑफ द ब्यूटीफुल स्की रिजॉर्ट ऑफ लजय। इस पीक पे भी यू हैव स्की स्लोप्स बट ये बिगिनर्स के लिए नहीं है। ऑल्सो इस पीक पे यू हैव अ नाइस बिग रेस्टोरेंट्स जहां से आप वैली का व्यू देखते देखते फूड एंड ड्रिंक्स को एंजॉय कर सकते हैं। बिकॉज लजय इज इन फ्रांस, यहाँ पर लंच आवर्स आर स्ट्रिक्टली टाइम बॉक्स्ड बिटवीन 12 to 2 PM। इस विंडो के बाहर मोस्टली किचन्स आर क्लोज्ड एंड यू कैन फेस डिसअपॉइंटमेंट। बट हाँ, यहाँ बहुत सारे फास्ट फूड ऑप्शंस भी हैं जहाँ आपको पिज्जा, बर्गर, फलाफल एंड क्रेप एक्सेट्रा मिल जाते हैं। दिस रेस्टोरेंट वेलवेट फॉर एग्जाम्पल आफ्टरनून में भी ओपन रहता है एंड सर्व सम डिलिशियस पिज्जाज एंड फलाफल। यहाँ बहुत अच्छी कन्फेक्शनरी डेलिकेसीज भी थी एंड यहाँ के इंटीरियर्स भी बहुत नाइसली डन है। Other than restaurants and cafe, Lajay also has Carrefour, जो कि फ्रांस का ग्रॉसरी रिटेल चेन है, जहां आपको A to Z of consumables मिल जाएंगे। अब अगर फ्रांस आए और यहां का फेमस क्रेप नहीं खाएं, तो ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता। यहाँ हमें ये क्रेपरी बहुत अच्छी लगी एज दे हैव अ वेरी एक्सटेंसिव मेन्यू ऑफ क्रेप्स एंड हाँ, ये भी आफ्टरनून में खुली रहती है। सिंस ये विंटर का टाइम है, सनसेट जल्दी हो जाता है एंड सारे रेस्टोरेंट्स के किचन फिर से खुल जाते हैं, इसीलिए लोग बाहर सड़कों से शिफ्ट होके रेस्टोरेंट्स एंड पब्स के अंदर स्विच हो जाते हैं।
इसी टाइम लेजय में एक लाइट एंड साउंड शो होता है दैट ओपन्स अप टू वेलकम टूरिस्ट्स, जिसके लिए हमने ये बस ली। इस शो का नाम है अल्टा लुमिना, जिसके कुछ रेफरेंसेस आपने इसी वीडियो में पहले भी देखे होंगे। मेरी ओपिनियन में दिस इज अ मस्ट सी। इस शो का वेन्यू इज अ फॉरेस्ट ऑन द सेम स्की स्लोप्स एंड हियर दे जस्ट क्रिएट मैजिक राइट इन द मिडल ऑफ द फॉरेस्ट। ये एक भुलाना देने वाला एक्सपीरियंस था। कुछ ऐसा है ये छोटा सा क्यूट स्की रिजॉर्ट टाउन। बहुत कुछ है यहाँ करने के लिए, एंड जो मेन चीज करने लोग यहाँ आते हैं, जिसके लिए हम भी आए हैं, वो दिखाएंगे हम आपको अगले एपिसोड में। टिल देन डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड सी यू सून।